हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट। क्लास टेंथ का वीडियो है और ट्वेल्थ के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि ट्वेल्थ में भी हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स में डिटेल्स में जानकारी। लेकिन टेंथ वाले बच्चे बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से इस वीडियो को समझें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ होने वाला है, बड़ा सा ही जादू। जादू नहीं होने वाला बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर पर डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, तो हेडिंग लगाए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही जो आप लोग सुबह देखते हो अपना फेस प्लेन मिरर में, सुबह सुबह उठते हो देखते हो ना, हाँ, कि फेस कैसा है, अच्छा सा है कि खराब है, मूड ऑफ है कि ऑन है, है ना। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, इन सब पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे आज। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन तो आपने सीख ही लिया होगा, एक नॉर्मल इंसिडेंस और एक क्रॉस इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पिछला वीडियो अगर आप लोग ना देखे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, दे रहा हूँ, और आप लोग जा करके उस लिंक को क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो पहला ये पॉइंट बच्चों याद रखना, इमेज जो प्लेन मिरर से बनता है वो ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल होता है। तो इमेज वर्चुअल होता है, याद रखिएगा, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और इक्वल इन साइज होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है एंड सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। कहाँ से? फ्रॉम मिरर। मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज भी बनता है, ठीक है ना। लेटरल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इक्वल इन साइज और सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पहले इसका सेंस जान लीजिए। आप मिरर के सामने खड़े होती हो, आप ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट हो प्लेन मिरर के सामने, तो जितना बड़ा बच्चों ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ये है इक्वल इन साइज का मतलब। ये इमेज कैसा होता है? वर्चुअल होता है, ये रियल नहीं होता, याद रखना। जो हम लोग फेस देखते हैं अपना मिरर में वो वर्चुअल होता है। और कैसा होता है? सीधा होता है, मतलब इरेक्ट। ऐसा थोड़ी है कि आपका पांव ऊपर सर नीचे, उल्टा भूत, नहीं, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। तो वो इरेक्ट इमेज होता है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ये है, हमारी बाई आंख दाई तरफ दिखाई पड़ती है और दाहिनी आंख बाई तरफ दिखाई पड़ती है, यह है लेटरल इन्वर्टेड। सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इट मींस कि मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, इससे दूर एक्स डिस्टेंस अगर दूर हमारा ऑब्जेक्ट है तो एक्स डिस्टेंस दूर मिरर से भी क्या होगा इमेज होगा। और इमेज बच्चों हमेशा बनता है इनसाइड द मिरर। कहाँ बनता है ये? इनसाइड द मिरर। लेकिन आपके नोट्स में, कॉपी में जब आप ड्रॉ करते हो तो बिहाइंड द मिरर लिखा होता है, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है ना, एक ही सेंस है। जैसे आपने लिया ये, मान लीजिए प्लेन मिरर, ठीक है, ये है आपका प्लेन मिरर, ये है चूहा, छोटा सा चूहा मान लेते हैं, चूहा है, यहाँ आपकी आपकी बड़ी सी प्यारी सी आँख है, खूबसूरत सी आँख है, ठीक है, आँख। आप इस चूहे को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चूहा जो है इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इसको मानते हैं कितना, एक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक्स। ये इस मिरर से
ये ऑब्जेक्ट ओ एक्स, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब इसके कंपेयर में इसकी साइज बहुत छोटी है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज कैसा होगा, उतना ही दूर पर होगा और इतना ही साइज का होगा, ठीक है ना। मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, यहाँ पर बनेगा इसका इमेज आई, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। ये आप पॉइंट पहले दिमाग में बैठा लीजिए। इमेज बनता कैसे है, इसका रे डायग्राम कैसा होगा, कैसे हम सीखेंगे रे डायग्राम, इतने पॉइंट्स पहले बैठा लीजिए। वर्चुअल होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, इक्वल इन साइज, लेटरल इन्वर्टेड, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, एंड इन साइड द मिरर और बिहाइंड द मिरर आप कह सकते हो। डायग्राम में देख कर रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी इमेज कहाँ होता है, इन साइड द मिरर, बिहाइंड नहीं होता, लेकिन रिटन में हम लोग समझने के लिए बिहाइंड लिख देते हैं, ठीक है। ये क्लियर, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। अब ये इमेज कैसे बना होगा, इसका इमेज यहाँ आई कैसे बना होगा, कुछ इसके पीछे का लॉजिक होगा। तो लॉजिक ये है, मिनिमम टू लाइट रेज रिक्वायर होती है, कितनी लाइट रेज, मिनिमम टू लाइट रेज रिक्वायर, इतनी लाइट रेज हमको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होती है इमेज बनाने के लिए। तो पहला अगर इसको इमेज बनाएं तो एक लाइट रे हम ऐसे इंसिडेंट करा देंगे, ऐसे मान लो यहाँ से लाइट रे गई, इसका इमेज बनाना है तो लाइट रे यहीं से जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है लाइट रे वहीं से जाएगी, तो लाइट रे यहाँ से आएगी, ठीक है, लाइट रे यहाँ से निकाल दिया, ऐसे यहाँ टकराई, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर समझे, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ऐसे, तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे तरफ खींचें, ऐसे, तो एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई और एक लाइट रे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे यहां नॉर्मल इंसिडेंट करा दीजिए नॉर्मल, या एक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ऐसे लाइट रे यहां पे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगी। इसको पीछे खींचे तो ये इस पॉइंट पे अपीयर टू मीट होती है, पीछे खींचे इसको, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को याद रखना, और दो लाइट रेज हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक चाहे तो नॉर्मल ले लीजिए, अगर नॉर्मल लेने की इच्छा नहीं है तो एक इस साइड और एक इस साइड, दो लाइट रेज ले लिया, ये टकराया और टकरा के रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई, यहाँ टकराई ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई, दोनों को पीछे खींचेंगे तो कहाँ मिलेगा, पॉइंट आई पर। तो जहाँ दोनों पर मिलते हैं पीछे खींचने पर, तो इससे को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपीयर टू मीट। तो अपीयर टू मीट कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पर, तो दिस पॉइंट विल बी ये पॉइंट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, और आई से डिनोट करेंगे। तो ये देखने पर पता चलता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बनता है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं इमेज, ठीक है। चलिए, ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बना लीजिए बच्चों। इतनी बातें वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया ओके, इरेज करते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप लोग इमेज बनाना सीख गए, ठीक है। तो अब अगर आपको प्रूफ करना है बच्चों कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, सर आपको कैसे पता चल गया, सर बहुत चालाक हो आप, रट्टा मार के बैठे हो, हमें कैसे मालूम होगा कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, कैसे प्रूफ करें इसको। मान लो ये लाइट रे आपको नहीं दी गई है, अब क्या करेंगे, ये लाइट रे मान लेते हैं हटा देते हैं, पहले जो वीडियो पॉज, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बेटा,
इरेज करें। ओके, तो अब थोड़ा समझते हैं कैसे ये आप प्रूफ कर पाएंगे कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट वन होता है उतनी ही दूर इमेज बनेगा। इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो कैसे प्रूफ करोगे। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। दिस इज़ द प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ओ, इसका इमेज यहाँ बनता है। मान लेते हैं यहाँ पे, भाई अभी इमेज तो बनाना सीख गए ना, ये नॉर्मल होता है हमेशा, नॉर्मल डिस्टेंस होती है। लाइट रे यहाँ पे एक दिया गया है, ऐसे गई थी लाइट रे। अब देखो इसका रे डायग्राम बनाना है, आपको पता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। इमेज तो बना लिया, रे डायग्राम बनाना है तो एक लाइट रे पहले रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ऐसे इंसिडेंट कराइए, इंसिडेंट। अब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाइए, आपको पता है। तो पहले इसको क्या करो, यहाँ से मीट करा दो आई तक, ऐसे। इससे क्या होगा, आपकी जो लाइट रे होगी वो बिल्कुल सही सही बन जाएगी, सीधी सीधी। देखो बन गई ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ज़रूर टेढ़ी हो गई है बेटा, आप लोग सीधी बना देना इसको ऐसे। तो ये है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल अगर हम मानते हैं एक्स, तो ये भी एंगल एक्स। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये प्रूफ करना है, ये पॉइंट को मैं कहता हूँ ए, इसको कहता हूँ बी। आपको ओ बी इज इक्वल टू आई बी प्रूफ करना है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये एंगल एक्स, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा एक्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये 90 ax, तो ये 90 माइनस एक्स, और ये भी 90 माइनस एक्स। ऑल एंगल्स इक्वल, तो ट्राइंगल कैसा है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हुआ, सिमिलरिटी का हुआ यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो ob इज इक्वल टू आई बी, ठीक है, हैंस प्रूफ। इससे ये चीज़ क्लियर होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बनता है। भाई ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो ये एक्स, तो ये भी एक्स। ये अल्टरनेट, ये भाई ये और ये पैरेलल है, तो ये एक्स, तो ये एक्स। ये पैरेलल है इसके, तो ये और ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बराबर हो गए। 90 ये 90, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, सारे एंगल्स इक्वल। तो साइड्स ऑल्सो इक्वल, ये कॉमन साइड, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हेंस प्रूव ओ बी इक्वल टू आई बी। दैट मीन्स यू कैन सी, आप कह सकते हो कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ऐसे ही हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, समझ गया ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट लेकर मैंने ऑब्जर्व किया और इसका डायग्राम बनाया, रे डायग्राम बना दिया, इमेज फॉर्मेशन सीख लिया। अब सीखेंगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कैसा एक्सटेंडेड। एरेस्ट कर दे बेटा, समझ गया हूं। ओके, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब जो खड़ा हो, एक्सटेंडेड स्टैंडिंग पोजिशन पे हो, स्टैंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो ये आपका प्लेन मिरर हो गया और यहां आप हो, अपने आप को मान लो आप, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनाना है बच्चों, इमेज। तो इमेज बनाने के लिए इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम एज अ ट्रीट करेंगे, इसके एक एक पॉइंट्स को एज अ ट्रीट करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसके फर्स्ट और लास्ट ध्यान देना, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दो पॉइंट हम लेंगे, बस इसी को वॉच करेंगे, इसी को ऑब्जर्व करेंगे, इसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए इसका इमेज बनाएंगे और फिर बाद में उसको भी हम मिला देंगे। तो ए बी का इमेज बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो लाइट रेज कितनी चाहिए, मिनिमम टू लाइट रेज, मिनिमम टू लाइट रेज चाहिए बच्चों। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट ए बी है और यहाँ भी इसका इमेज बनेगा, रियल होता है नहीं, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है।
जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। आई होप कि यहीं पर हमारा इमेज बनना चाहिए ए डैश बी डैश। तो इस हेड का इमेज यहाँ बन रहा है, इसको हम एज अ ट्रीट करेंगे, इसको एज अ ट्रीट करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको भी ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके लिए दो लाइट रेज, इसके भी दो लाइट रेज। तो एक लाइट रेज हम ऐसे निकाल देंगे और एक लाइट रेज हम निकाल देंगे ऐसे, ठीक है ना। आगे इसको अगर लाइट रेज ऐसे आएगी तो ये टकरा के वापस पीछे खींचेंगे, ठीक है। ये टकरा के वापस जाएगी तो पहले ही रे डायग्राम बना लेते हैं ऐसे और रिफ्लेक्टेड दिखा देंगे। देखिए इस हेड का इमेज यहाँ बन गया, ऐसे एक लाइट रेज यहाँ दिखाई है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, है ना, ऐसे। इसको पीछे खींचिए, पीछे खींचिए इसको, एक नॉर्मल इंसिडेंट कराइए ऐसे, वापस जाएगी पीछे खींचने पर यहाँ मिट करेगी। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ये है आपका इमेज। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज होता है, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे ही इमेज बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इक्वल साइज का है, सेम डिस्टेंस पर बनता है, याद रहेगा बच्चों। तो ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज, क्लियर है, कोई डाउट? ओके। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो यही है आपका इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव से कैसे बनेगा इमेज? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनेगा? ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें पहला केस बनता है, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर हो बच्चों? इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कैसे बनेगा? ये है आपका मिड पॉइंट पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब आप पढ़े हो, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसा थोड़ी कि बहुत दूर चले जाओ, चांद तारों पर, चांद तारों पे नजर आए चेहरा तेरा, है ना, वो चांद तारों पे नहीं, चांद तारों मतलब इन्फिनिटी, आप समझ लिए। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि मिरर से काफ़ी दूर, थोड़ा दूर, बहुत, मतलब जो कि इस मिरर के साइज में, मिरर के साइज कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो वहाँ से जो लाइट रेज आएंगी बच्चों, करीब करीब सब पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलल ऐसे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के भी अलोंग आएगी लाइट रेज। अगर इसके अलोंग आएगी तो यहाँ होगा नॉर्मल इंसिडेंस सर, हाँ सर, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा भाई। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? सी से, तो सी से जो भी पास करेगा वो नॉर्मल होगा, ये पिछला वीडियो में हमने पढ़ा है। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल जो लाइट रे आती है, ये भी पढ़ाया गया पिछले वीडियो में कि फोकस से जाती है, तो ये कुछ से फोकस से निकल जाएगी, हाँ फोकस होगा, ये भी क्या होगी? फोकस से निकल जाएगी ऐसे, ये भी फोकस से निकल जाएगी। तो टेढ़ा है, आप लोग सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बनता है? फोकस। और ये रियल होता है बच्चों, क्योंकि रियल मीट कर रही है, सच में मीट कर रही है। दो लाइट रेज चाहिए मिनिमम, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट इन साइज, साइज में कैसा? पॉइंट जैसा। ये होगा इसका फर्स्ट नंबर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, मतलब कॉनकेव मिरर से बहुत दूर हो, उसके साइज में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि फोकस पे इसका इमेज बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों? फोकस पे। तो इसको भी आप लोग हेडिंग बना करके नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके।
इरेस करते हैं जब ऑब्जेक्ट रखते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में, इरेस करें ओके, तो ये रियल होगा बच्चों और इन्वर्टेड होगा। जब लाइट रेज सच में मीट करे रिफ्लेक्शन के बाद, टकराए और रिफ्लेक्ट हो जाए, टकराए रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करे, रियल में कहा जाकर कहीं मिले तो रियल इमेज, और जब उसको पीछे खींचने पर या आगे बढ़ाने पर बात हो रही है, पीछे खींचने पर आगे बढ़ाने पर कहीं पॉइंट पर मीट कर रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, तो दैट इज द वर्चुअल इमेज। वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज। केस सेकंड, मान लो हम एक ऑब्जेक्ट लिए छोटा सा, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, जो कि है बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सी के बीच में है, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये सी है, सॉरी एफ सी नहीं, इन्फिनिटी एंड सी, बाय मिस्टेक बोल दिया बच्चों, माफ कीजिएगा, यहां है इन्फिनिटी और यहां है ऑब्जेक्ट ए बी। तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम टू लाइट रेज चाहिए बच्चों, मिनिमम टू लाइट रेज, कितनी लाइट रेज? टू। तो एक तो डालेंगे पैरेलल, नो डाउट सर, नो डाउट, कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा, और कहां से जाएगा? दूसरा डाल देंगे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे आई है यहां होगा नॉर्मल इंसिडेंस, तो जैसे आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल हमेशा सी से पास करता, जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी क्या है? ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें ये, तो ये बन जाता है इसका इमेज ए डैश बी डैश, हेड नीचे और इसका जो पाँव है वो ऊपर हो जाता है, तो ये रियल मीट कर रहा है, तो रियल इमेज है। इमेज कैसा होगा? बनता कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच बनता है इमेज, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये है इसकी खास बात। जहां पे दोनों सच में मीट करें, सच में मीट करे रिफ्लेक्टेड रे, वही बन जाता है इमेज, रियल इमेज। तो इससे कैसा बनेगा? रियल इमेज, इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और सी और एफ के बीच में बनेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में हो, इन्फिनिटी और सी के बीच में हो। तो फटाफट जल्दी से डायग्राम बनाएं, वीडियो को पॉज करके और इसे नोट कर लें। इरेज करते हैं केस सेकेंड, इसमें हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है? तो केस सेकंड क्या बनेगा? जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? सी पे हो। केस थर्ड, एट सी, अगर सी पर रख दे तो क्या होगा? चलो देख लेते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इमेज बनेगा, और क्या होगा? अरे इमेज तो बनना है। देखो बच्चों, ये है सी, यहां है एफ, ठीक है? ऑब्जेक्ट को मैं यही रख देता हूं यहां पे, ए बी। अब इसका इमेज बनाना है, इसका इमेज, तो टू लाइट रेज चाहिए मिनिमम, तो एक डालेंगे पैरेलल, पैरेलल वाली सर को पता है कहां जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है? और एक डाल देंगे फोकस से, मिस्टेक हो गया सर, कहां से? फोकस से, फोकस ड्रॉ करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरल हो जाती है ना? पैरल कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? जहाँ पे सी होगा, सी के ठीक सामने दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है सर, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ बनता है इसका इमेज ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बनता है? एट सी, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है,
और इक्वल इन साइज होता है। साइज में भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर ले बेटा, वेरी सिंपल डायग्राम है, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है ना। सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, रियल इन्वर्टेड तो बनेगा ही, साथ में इक्वल इन साइज होगा। टू लाइट रेज मिनिमम चाहिए, एक पैरेलल इंसिडेंट करा दिया, एक फोकस से पास करा दिया, फोकस वाली पैरेलल हो गई, पैरेलल वाली फोकस से पास कर गई, दोनों यहाँ पर मीट करते हैं सी के ठीक सामने, मिला दिया, एक्सटेंड कर दिया कि ऑब्जेक्ट, यही बनता है इसका इमेज ए डैश बी डैश। याद रखना बच्चों, और डायग्राम की खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। इरेज करें, ओके इरेज कर दो सर, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ओके नोट्स खुद से बनाए बच्चे देख करके। केस फोर्थ, केस फोर्थ क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन एलाइज करता हो सी एंड एफ। चलो सी और एफ के बीच देख लेते हैं, यह है पोल, यह है सी, यह है एफ, ऑब्जेक्ट रखा यहां, कर दिया धुआं धुआं, ए बी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, क्या करें क्या करें भैया, दो लाइट रेस चाहिए हमको, दो लाइट रेस सर, दो लाइट रेस काम है, बस हो गया। एक लाइट रेस पैरेलल डाल देंगे, ये चली जाएगी टकरा करके फोकस से, चेक आप क्या करें, एक डाल देते हैं फोकस से, यहाँ भी काम हो सकता है, फोकस डाल दिया ऐसे, ये कुछ यहाँ टकराया, ये पैरेलल हो जाएगा, सबको पता है ऐसे। कहाँ बनता है, सी के पीछे, यहाँ तो एक यहाँ कहीं बनता है, ये सी है आपका, यहाँ कहीं बनता है इमेज ए डैश बी डैश, और ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतना बड़ा, हाँ हाँ इमेज बहुत बड़ा है, इससे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा नहीं तो इससे काफ़ी बड़ा है, हाँ तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी, इमेज बनता है बियॉन्ड द सी, इमेज बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, नोट करते जाइए, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है समझ लिया, नोट करें वीडियो को स्टॉप करके, नोट कर लीजिए सी और एफ के बीच। ओके तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच है, ठीक है इरेज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे, कहाँ रखेंगे, केस फिफ्थ एट फोकस। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया पोल, ये फोकस, यहाँ सी, ऑब्जेक्ट यहीं रख देते हैं ए बी, एक लाइट डालेंगे पैरेलल ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस चली जाएगी ऐसे। अब एक हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, कैसे नॉर्मल, ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो जैसे टकराई है वैसे वापस चली जाएगी, नॉर्मल केस में टकराई वापस, और नॉर्मल जो भी लाइट रे जाएगी टकराएगी वो हमेशा सी से पास करेगी, तो लाइट रे कहाँ जाएगी, सी से पास करेगी, कहाँ से, सी से ऐसे। फाइनली दोनों लाइट रेस पैरेलल हो जाते हैं, ये कहाँ मीट करेंगे, एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली मैग्नीफाइड जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा। फोकस पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा उसके नीचे ही बनेगा, लेकिन इससे काफ़ी बड़ा होगा, कहीं दूर जाकर इतना दूर कहीं मिलेगा, ऐसा होता है याद रखना। केस नंबर सिक्स, तो केस फिफ्थ हो गया बच्चों, इसको याद रखना, ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे अच्छे से। केस सिक्स क्या होगा, बिटवीन
ऑब्जेक्ट हो बिटवीन फोकस एंड पोल, ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। तो एक लाइट डाल देंगे पैरेलल तो फोकस जाएगी, कहां से आएगी फोकस से, ऐसे फोकस से निकल जाएगी, और एक नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे ऐसे तो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करेगी, और इसको जब पीच लाइट जब रिफ्लेक्ट जाएगी तो ये कहां से आएगी, ये सी से पास करेगी, कहां से सी से, कहां मीट करेंगे ये दोनों, ऐसे फैलते चले जाएंगे है ना। इसको पीछे खींचते हैं, इसको भी पीछे खींचते हैं, जाकर ये कहीं यहाँ पर मीट करते हैं और यहाँ बनता है ये मैग्नीफाइड इमेज इनसाइड द, कहाँ बनता है इनसाइड या बियॉन्ड लिख दीजिए ए डैश बी डैश। तो पीछे खींचने पर बनता है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों को पीछे खींचने पर इमेज बनता है, पीछे खींचने पर इमेज बनता है। इसका मतलब कैसा होगा, अगर सच में मीट करते तो रियल बनता, और पीछे खींचने पर आगे बढ़ाने पर अपीयर टू मीट कर रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है तो कैसा इमेज होना चाहिए वर्चुअल। तो इमेज कैसा होता है, कहाँ बनता है इनसाइड और बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर दोनों बोल सकते हो आप लोग फ्री हो, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में इनसाइड होता है लेकिन रिटर्न में हम लोग बियॉन्ड लिखते हैं। और ये कैसा होगा, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बस यही है कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, नोट कर लीजिए। क्लियर है, ओके। इमेज बनाना खुद से सीखिए, प्रैक्टिस करिए बच्चों, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेस्ट आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लास टेंथ के बच्चे हो ध्यान रखना, और ये सब चीज़ें क्लियर रहेगी तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको। चलिए इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, नोट्स खुद से बनाएं, होनहार बच्चे हैं, भावी इंजीनियर भावी डॉक्टर भविष्य में। तो इमेज फॉर्मेशन हेडिंग लगाएं, इमेज फॉर्मेशन बाई, फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केस है बच्चों, दो केस। पहला केस ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एवरी एनीवेयर, कहीं पर भी हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, कहीं पर भी हो एवरीवेयर, ये है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पोल प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में पोल कहीं है, सॉरी फोकस है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, दो लाइट रेज चाहिए हमें, कितनी लाइट रेज टू, एक तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे ऐसे, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस जाएगी पीछे खींचने पर फोकस से, ये पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हो है ना, रिफ्लेक्ट करके फोकस से, और एक इस पर नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे कुछ नॉर्मल ऐसे, यहाँ से नॉर्मल तो रिफ्लेक्ट वापस जाएगी, और पीछे खींचेंगे तो ये अपीयर कहाँ होगी सी से, तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे यही बनता है इसका इमेज ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगा, इमेज बनता है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट बनेगा, पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी पीछे खींचने पर फोकस से मीट करती है, नॉर्मल इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्ट जैसे आई है वैसे जाएगी, और पीछे एक्सटेंड करने पर सी पे मीट करेगी क्योंकि नॉर्मल हमेशा सी से पास होता है, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो अपीयर कर रही हैं पीछे मीट कर रही हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही बनता है इसका इमेज, ये पी और एफ के बीच में हमेशा बनेगा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो।
ठीक है। और इमेज कैसा होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यही मेन केस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और इन्फिनिटी पर जब होगा, दूसरा केस, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज हमेशा, इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज कहाँ बनता है? फोकस पे। मैंने कॉनकेव में आपसे डिस्कस किया है, इसका भी रे डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं फोकस के लिए। इन्फिनिटी पे है तो सभी लाइट रे पैरेलल आएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ऐसे आएंगे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ऐसे है ना, तो पीछे खींचेंगे सबको, तो फोकस पे मीट करती हैं। कहाँ मीट करती हैं? फोकस पे। तो इमेज फाइनली इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पे, इन्फिनिटी केस पे। और बाकी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखें, इन्फिनिटी को छोड़ करके इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी रख दें, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगा। इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा। यही है कॉन्वेक्स मिरर से बच्चों इमेज फॉर्मेशन। तो मिनिमम टू लाइट रेस चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है प्लेन मिरर से इमेज और स्फेरिकल मिरर से इमेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट है बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे। सब अगर आज ही सीख लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो इसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट करके सिखाएंगे आपको। तो पहला काम है आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर करना, इमेज को लेकर कोई डाउट ना हो, सब कुछ तैयार हो, ठीक है, इमेज। इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या आपको, क्या पढ़ाएंगे इमेज के बाद? मिरर फार्मूला कैसे बनता है, क्या होता है मिरर फार्मूला, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन रूल क्या होता है, और इस पर एक बढ़िया सा दो सवाल लेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, और फिर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़े, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।